गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की मैं इस वीडियो में आपको क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए अग्र पूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र की जो चरित्र चित्रण है और उसको मैं एक्सप्लेन कर बताऊँगा। इस अग्र पूजा खंड काव्य के प्रमुख नायक या प्रमुख पात्र श्री कृष्ण जी हैं, उनके चरित्र चित्रण की विशेषताओं को आज मैं एक्सप्लेन कर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अग्र पूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखो, यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पुटअप कर सकता है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नायक श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको लिखना क्या है इसमें, देखिए, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, श्री कृष्ण का इसमें चरित्र चित्रण आपको मुख्य हेडिंग लिखनी है। फिर इसमें लिखना है आपको कि श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण जी हैं। संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण ही प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर आए हैं। इनके चरित्र की विशेषताओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, पहली हेडिंग्स है इनकी, लीलाधारी व दिव्य पुरुष। श्री कृष्ण लीलाधारी व दिव्य पुरुष हैं। विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगर का निर्माण करवा देने, शिशुपाल को अनेक रूपों में दिखाई देने से पाठकों को अलौकिक पुरुष दिखाई प्रतीत होते हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट हेडिंग। अब आपको सेकंड हेडिंग में क्या लिखना है, सहनशील, यानी सहनशीलता के सहन करने वाले। श्री कृष्ण अत्यंत सहनशील हैं। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल द्वारा कहे गए अपशब्दों को वह मुस्कुरा कर सहन कर लेते हैं और कहते हैं, लोग उन्हीं पर थूका करते हैं जो करते अपशिष्ट व्यवहार, मुझे न छोप तनिक भी उसका कहा सुना जो तुमसे जो आज। ये उन्होंने एक दोहा लिखा है। और थर्ड हेडिंग है आपकी, वीरता से परिपूर्ण। श्री कृष्ण असामान्य शक्ति से संपन्न हैं। शिशुपाल का वध उन्होंने इतनी फुर्ती से किया कि कोई देख ही न सका कि कब उनका चक्र चला। ये आपकी थर्ड हेडिंग हो गई। अब फोर्थ हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है, शिष्ट एवं विनय। श्री कृष्ण शिष्ट एवं विनयी हैं। बड़ों के प्रति सदैव प्रणत होते हैं। वह सदैव कुंती के पैर छूते हैं। राजसूय यज्ञ में भी वह ब्राह्मणों के पैर धुलाने का कार्य स्वयं करते हैं। ठीक है, अब इनका निष्कर्ष आपको लिखना है। निष्कर्ष किस प्रकार लिखना है आपको, देखिए, निष्कर्ष की एक आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे, श्री कृष्ण दया प्रेम करुणा के आधार हैं, दुष्टों के संहारक हैं, वैशिष्ट विनयी वीरता से परिपूर्ण हैं, उन्होंने अनीति को मिटाकर धर्म की स्थापना की। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था इनका निष्कर्ष। और निष्कर्ष लास्ट होता है चरित्र चित्रण में। तो मैंने आपको श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण समझा दिया है, जो अग्र पूजा खंड काव्य के प्रमुख नायक हैं। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास टेंथ की हिंदी के एग्ज़ाम में लग सकता है ये, तो अच्छी तरीके से आप इसकी स्टडी कर लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।